चलिए नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3। और उसमें हमारा बच्चों एक मेथड आता है दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, बट आप 10 मिनट का लेक्चर सुने अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन लगाएं, इस पर आपके सबके आंसर आएंगे। ठीक है, तरीका देख लेना। पहली बात तो मैं बताते चल रहा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, ऐसे बच्चों दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन होंगी। याद रखना एक चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमेशा इक्वल में 0 होना चाहिए, खत्म। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन होंगी, मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर देखना आप कैसे निकलते हैं। तो इसके बाद पहली बात तो दोनों इक्वेशन के इक्वल में बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप लोग सेकेंड नंबर से चालू करेंगे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड। सेकेंड नंबर यानी कि वाई से, वाई का कोफिशियंट लेना बच्चों हम लोगों को, क्या लेना बच्चों यहाँ पर वाई का कोफिशियंट, कोफिशियंट बच्चों यहाँ पर कितना है वाई का, b1। उसके बाद वाला कोफिशियंट क्या आ रहा है, c1। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, a1। और उसके बाद क्या आ रहा है, b1। जहां से जर्नी चालू हुई है वहीं पर जाके क्या होगी, खत्म। यहां से नहीं चालू करना, कहां से चालू करना है, सेकंड नंबर से। ऐसे बच्चों सेकंड नंबर यहां पर क्या लिखा हुआ है, b2। इसके बाद क्या आएगा, c2। इसके बाद क्या आएगा, a2। और इसके बाद क्या आएगा, b2। ठीक है, ये लिखिएगा। इसके बाद का करना क्या है, आप लोगों ने यहां से चालू किया b1 के बाद c1, a1, b1, ऐसे b2, c2, a2, b2। ठीक है, इसके बाद बेटा यहां लिखना है x, यहां लिखना है आपको y, और यहां लिखना है 1। ठीक है, प्रोसीजर देखते चल रहे हैं। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, वो देखना है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, हमेशा इक्वल में क्या होना चाहिए, 0, पहली बात क्लियर है। उसके बाद स्टार्टिंग कहां से करनी है, सेकंड नंबर से या y के कोफिशिएंट से, जहां से चालू करेंगे वहीं पर खत्म होंगे। उसके बाद c1 आएगा, उसके बाद a1, उसके बाद b1, ऐसे b2, c2, a2, और क्या आ गया बच्चों, b2। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब देखना है। अगले स्टेप में आपको क्या करेंगे, इसके बाद मेरे पास जगह कम है, इसको हटा दो बच्चों, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, यस, एक काम करते हैं, इसको यहां लिख देता हूं, b1 c1 a1 और b1। ठीक है, यहां की तरफ बच्चों b2 c2 a2 और b2। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों यहाँ क्या लिखा था, मतलब यहाँ मैंने बोला आप लोगों को x, यहाँ बोला y, और यहाँ मैंने बोला 1। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, यहाँ से देखते चल रहा, सब क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। आप लोग एक बार सही मेथड सीख जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, x लिखोगे, इसके नीचे y लिखना है, और ये लिखना है बच्चों 1। ठीक, इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, आप ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, यहां लिख दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों, यहां लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों, यहां लिख दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे यहां लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे यहां लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे यहां लिखा, तीनों के नीचे लिख दिया। फिर बच्चों इसके बाद तीनों में बच्चों यहां पर साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस का, तीनों जगह लगा दो। ठीक है, सबसे पहले b1 का c2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, सभी के नीचे लिख दिया, फिर तीनों में लगा दिया बच्चों माइनस साइन। इसके बाद बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा, b2, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करेंगे कितना आएगा, b2 c1, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों कितना आएगा, c2 a1, इसका मतलब बच्चों इससे करोगे कितना आएगा, b2 b1, और ये सभी के सभी क्या होते हैं, माइनस साइन। गॉट इट, तरीका समझ में आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते चलो, सबके यहां लिख दो, माइनस साइन लिख दो, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते चलो, हर एक के नीचे लिखते चलो। अब यहां पर जब ये आपके नीचे आ गई वैल्यू, आप यहां पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सर कंपेरिजन इससे करोगे, तो एक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये बच्चों ऊपर जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली वैल्यू बच्चों ऊपर जाएगी, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा बच्चों b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन
a1 b2 minus a2 b1। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन लग रहा होगा, बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू ये निकल, कुल मिला के जब भी आप यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से, आपको कंपेरिजन करना है x का इससे और y का इससे, तब जाके आपकी x और y की क्या वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। गॉट इट? ऐसे बच्चों जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y के नीचे जो लिखा हुआ है उसका कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर y के नीचे बच्चों कितना लिखा हुआ था हमारा, y के नीचे लिखा हुआ था a2 c1 minus c2 a1 is equals to a था। यहाँ आ जाएगा बच्चों y, ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पहुंचेगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों a2 c1 और c2 a1। ठीक है, ये वैल्यू निकल जाती है बच्चों y की। तो मेन पर्पस था बच्चों ये लिखने का अलग तरीका, हमेशा इक्वल में क्या रखना है आपको, जीरो स्टार्टिंग करनी है y के कोफिशिएंट से, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिख लेना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिख लेना। बाकी ये प्रोसीजर आप लोग इस तरीके से करिएगा, अप्लाई आपका आंसर आएगा। ये मैं तरीका समझा था। अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, पैटर्न समझा दिया। तो बहुत सारे बच्चे इन पर डर जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं पता बच्चों a1 b1 c1 की। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या दे रखी बच्चों 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू दे रखा 5, और नीचे इक्वेशन दे रखी बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने आप लोगों से पहला स्टेप क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा इक्वल में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस प्लस 5 को इधर लेके आप बच्चों क्या हो जाएगा -5, ऐसी प्लस 8 को बच्चों यहां लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वाली कंडीशन आ गई। अब मैंने आप लोगों से यहां पर क्या बोला था बच्चों, आप स्टार्टिंग करोगे y के कोएफिशिएंट्स, थोड़ा स्पेस बना के लिखना, यहां लिखा मैंने 3, इसके बाद बच्चों क्या आएगा माइनस का 5, इसके बाद बच्चों क्या आएगा 2, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों 3। जहां से स्टार्टिंग की थी वहीं पर क्या हो रहा है खत्म, यहां चालू करेंगे 2, उसके बाद माइनस का 8, फिर 3, और उसके बाद बच्चों क्या आएगा 2, ये हो गया। फिर मैंने आप लोगों से क्या बोला था, यहां लिखेंगे आप लोग x, यहां y, और यहां क्या लिखेंगे बच्चों 1। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x अपॉन y अपॉन और ये 1 अपॉन, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब बच्चों इससे करो 3 × 8 माइनस कितना होंगे 24, माइनस 5 × 3 बच्चों कितना होगा माइनस 15, 2 × 2 बच्चों कितना होगा 4। गॉट इट? फिर मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों बीच में क्या लगाना है, माइनस साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा दो बच्चों यहां, इससे गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे। अब अगर यहां पे देखें आप लोग, अब यहां पे मल्टीप्लाई करो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से होगा बच्चों कितना आएगा माइनस 10, माइनस 8 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 से होगा कितना आएगा माइनस का 16, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा बच्चों कितना आएगा 9। गॉट इट? अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं अगले स्टेप में बच्चों, तो x अपॉन माइनस 24 नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या होगा प्लस का 10, y अपॉन माइनस का 15 नेगेटिव नेगेटिव बच्चों ये 16 है, और यहां पर 1 अपॉन 4 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट करके लिख लो, जिससे मैं आने वाले स्टेप पे बढ़ूं। हटा दो इसको। अगला स्टेप बच्चों यहां पर क्या होगा, इक्वेट करना होता है। अगर आप इसको देखेंगे बच्चों यहां पर, इसको देखें यहां पर, तो x अपॉन माइनस 24 प्लस 10 बच्चों कितना होता है माइनस 14, ये होता है माइनस 15 प्लस 16 बच्चों कितना होगा प्लस का 1, एंड 1 अपॉन बच्चों माइनस 24 ही ना, ठीक है, ये कितना होगा बच्चों माइनस का 5। ठीक है, कुछ बच्चों गलती हो गई है 100% यहाँ पर, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, अब बेटा इसको कंपेरिजन करना है आपको x अपॉन माइनस 14 को 1 अपॉन माइनस 5 से, ऐसी y अपॉन 1 को बच्चों 1 अपॉन माइनस 5 से। इसको बच्चों इधर ले जाओगे तो x बराबर हो गया माइनस का 14 अपॉन माइनस का 5, ये इससे कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 5।
ठीक है, y की वैल्यू चेक करेंगे बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5। किसी को अगर दिक्कत लगे तो पुट करके चेक करो, 2 × 14 = 28/5 और माइनस का 3/5 25/5 5 माइनस का 0, सही आंसर। बट ये हमारा क्या निकला इसका आंसर, बोलिए कोई डाउट हुआ क्या, किसी को कोई दिक्कत। मैंने यह क्वेश्चन दूसरा देख लिया था इसलिए मुझे लग रहा था क्वेश्चन गलत, कहीं आंसर वैल्यू गलत तो नहीं आ गई। ये प्रोसीजर होता है बच्चों सॉल्व करने का। मान लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, एक्स माइनस 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया गया। अच्छा पहले से इक्वल टू में 0 है तो कोई टेंशन है क्या आपको, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, यानी टू माइनस का 3, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, माइनस का 7, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 1, उसके बाद क्या आएगा बच्चों माइनस का 3, यहां माइनस 3, उसके बाद माइनस का 15, उसके बाद 3 और उसके बाद माइनस 3, ये 7 है बच्चों, ठीक है। इसके बाद स्टेप बच्चों क्या होता है, यहां लिखते हैं हम लोग x, यहां y और यहां क्या लिखते हैं बच्चों 1। अगले स्टेप में क्या होगा उसको डालें, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, इसका मतलब बच्चों इससे करो माइनस 3 इंटू माइनस 15 कितना होगा 45, इसका मतलब बच्चों इससे करो माइनस का 21, इसका मतलब बच्चों इससे करते हैं कितना आएगा माइनस का 3, सभी के बीच में क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, और मैंने कहा था यहां क्या लगा दें आप लोग ब्रैकेट, इसका बच्चों मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 7 कितना होगा दैट इज प्लस का 21, माइनस का बच्चों ये कितना आएगा माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा माइनस का 9, इसको सॉल्व करिए 45 में से 21 जब जाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 24, देन y अपॉन माइनस 21 प्लस का 15 और 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9, एक स्टेप बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, उससे गलती होने के चांसेस क्या होने चाहिए कम, गलती होनी ही चाहिए, ठीक है। x अपॉन बच्चों 24, y अपॉन माइनस 21 प्लस 15 माइनस का 6 और 1 अपॉन कितना हो गया 6, अब बच्चों x अपॉन 24 बराबर हो गया 1 अपॉन 6, आप इसको काटोगे 6 4 जाएगा और 4 को इधर लेके जाओगे बच्चों तो x बराबर बच्चों कितना हो गया 4, y को कंपैरिजन करो बच्चों y अपॉन माइनस 6 बराबर 1 अपॉन 6, इससे कट गया माइनस 1 बचेगा इधर गया बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 1, गॉट इट। तो x की वैल्यू आगे बच्चों 4, y की वैल्यू कितनी आगे माइनस का 1। आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना आता है तो फिर आपके लिए आसान है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा ही नहीं उस चीज को तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। और भाई साहब मैं आपको इसका जो बेटा फर्स्ट पार्ट था जहां पे थोड़ा सा कोफिशिएंट में ऊपर नीचे हो गया था और देख लेते हैं, 2x प्लस y माइनस का 5 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, अप्लाई करें, प्रोसीजर आपको पता ही है, प्रोसीजर क्या था, आप स्टार्टिंग करेंगे बच्चों यहां से 1 माइनस का 5 माइनस 5 के बाद क्या आएगा बच्चों 2 और उसके बाद 1, नीचे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस का 8 फिर क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 2, गॉट इट। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच में लिखते हैं x, इनके बीच में क्या लिखते हैं बच्चों y और इनके बीच में क्या लिखते हैं 1, नाउ x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, आपके एग्जाम्पल दूसरे तरीके से दे रखा है बट मैंने इसको इस तरीके से चेंज किया कि ताकि हर बच्चे को ईजी लगे, मल्टीप्लाई करो बच्चों 1 इंटू माइनस 8 बच्चों कितना होगा माइनस का 8, 5 इंटू 3 माइनस का 15 और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, सभी के बीच में क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, मैंने यहाँ क्या बोला आप लोगों से ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसको बेटा मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 माइनस का 5 बच्चों कितना होगा माइनस का 10, माइनस 8 इंटू 2 बच्चों कितना होगा माइनस का 16 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। अब यहां देखिए अगर आप माइनस का 8 प्लस का 10
y अपॉन माइनस का 15 प्लस का 16 एंड 1 अपॉन चार में से तीन के बच्चों कितना आएगा माइनस 1 आएगा। अगर पर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था ये वाला और तो कोफिशिएंट्स क्या हो गए थे चेंज। अब कोफिशिएंट्स मतलब नहीं है आपको, सिंपल ये ना आपका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके बाद बच्चों होगा हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 कितना होगा 2, y अपॉन माइनस 15 प्लस 1 एंड 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 लेते हैं। अब x अपॉन 2 का बच्चों कंपैरिजन 1 से करोगे तो ये इधर जाएगा, x बराबर बच्चों कितना होगा 2, y अपॉन 1 का कंपैरिजन जब 1 से करोगे तो y बराबर बच्चों कितना होंगे 1, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा, क्वेश्चन ट्राई करोगे तब बच्चा आंसर आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो को वैसे कोई नहीं सिखा सकता आप लोगों को। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों से बोला गया था सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताइएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा ही चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन आप पहले अप्लाई कर लीजिएगा। 8x प्लस 5y बराबर है बच्चों 9, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है बच्चों आपको 3x बड़ा हो गया 3 कुछ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू बच्चों 4। तो पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, हमेशा इक्वल में जीरो रखो। ये प्लस का है बच्चों इधर आता तो क्या होता माइनस का है, ये प्लस का 4 इधर आता तो क्या होता माइनस का 4, और इक्वल में क्या होता है जीरो, कोई डाउट। इसके बाद मैंने आप लोगों से बोला सेकंड नंबर से चालू करेंगे 5, 5 के बाद बच्चों नंबर क्या आएगा माइनस का 9, उसके बाद नंबर क्या आएगा बच्चों 8, और उसके बाद नंबर क्या आएगा बच्चों 5। यहाँ चलो इससे होगा 2, उसके बाद क्या आएगा माइनस का 4, उसके बाद 3, और उसके बाद क्या आएगा 2, ये आएगा सेम लो। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ क्या लिखेंगे 1। अगले स्टेप में बच्चों x अपॉन y अपॉन और ये 1, ठीक है। इसका उल्टा बच्चों इससे करो माइनस का 20 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27, 8 इंटू 2 बच्चों क्या हो गया 16, सब जगह माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, गॉट इट। अब बच्चों इसका हम कैसे करोगे, 2 इंटू 9 बच्चों कितना होगा माइनस का 18, माइनस 4 इंटू 8 माइनस का 32, 3 इंटू 5 बच्चों कितना होगा 15, गॉट इट। कई बात है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, बता दो बच्चों इसको। मैथ अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक करिएगा। एक्स अपॉन बच्चों माइनस 20 बेटा नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस का 18, वाई अपॉन माइनस 27 नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस का 32। इससे क्या गलती नहीं होती, नहीं तो बच्चा क्या यहाँ पर इस पोर्शन पर गलती कर ही देता है। एंड 1 अपॉन बच्चों 60 माइनस 15 दैट इज 1। अब यहाँ पे एक्स अपॉन बच्चों कितना हो गया माइनस 2, वाई अपॉन बच्चों कितना हो गया 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसका कंपेरिजन तो बच्चों इससे करूंगा x अपॉन माइनस 2 बराबर 1, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का 2, ये रह जाएगा। सेम y अपॉन 5 बराबर 1, देन y बराबर बच्चों कितना हो गया 5, ये इसका आंसर है बच्चों। बहुत सारे कई बार